हाय फ्रेंड्स, मैं आप सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा बिग बॉस मराठी के एपिसोड 6 के बारे में और दिन 5वें के बारे में। जी हाँ, 5वां दिन किस तरह से रहा और 6ठा एपिसोड किस तरह से रहा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर कर दूं, विनीत भोंडे का कैप्टनसी टास्क खत्म हो चुका है। उसके बाद घर वालों को कहा गया कि दो लोगों को नॉमिनेट करिए, मतलब कैंडिडेट खड़ा कीजिए जो अगले कैप्टन होंगे। तो घर वालों ने पूरी सहमति से तीन लोगों के नाम ज्यादातर लिए, एक तो जूई का, दूसरा नाम लिया इन्होंने स्मिता बोंडकर का, और तीसरा नाम लिया इन्होंने आस्ताद का। ठीक है, तो आस्था, स्मिता और जूई, बाद में देखा कि आस्ताद और स्मिता के मतलब ज्यादा वोट्स थे, पब्लिक ने ज्यादा उन्हें चुना था, तो उन वो दोनों कैंडिडेट के लिए खड़े हुए कैप्टनसी के। और एक इलेक्ट्रोल सिस्टम मतलब जिसे वोट देने की प्रक्रिया की कौन कौन सी पार्टी का है, इस तरह से दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद ज्यादातर जो वोट्स मिले वो आस्ताद को मिले 11, और 4 जो वोट्स थे वो स्मिता को मिले। यानी कि साफ है आस्ताद बन चुके हैं घर के नए कैप्टन। आस्ताद कैप्टन बनने के पहले और बाद में बहुत सारे इश्यूज हुए, जैसे कि आरती को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इस कैंडिडेट के लिए स्मिता खड़ी रही, और स्मिता क्योंकि कुछ ज्यादा काम नहीं करती है या ज्यादा काम नहीं किया उसने, इस तरह से स्मिता का कहना है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा किया ही क्या है, और ये चीजें वो पूछती है आशुतोष को। और आशुतोष ही नाम होगा ना, हाँ सुशांत को पूछती है। सुशांत बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसलिए उसके साथ खड़ा हूँ ताकि कोई ये ना बोले कि फीमेल कंटेस्टेंट के साथ कोई नहीं खड़ा है। तो यहाँ पर मैंने ये देख रहा हूँ कि जो कंटेस्टेंट है हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा है, और ये मैंने चीजें नोटिस कर ली है कल कंफर्म तरह से कि दो ग्रुप में टीम डिवाइड हो चुकी है। सुशांत, रेशम, राजेश शिंगारपुरे और भूषण पण, म्हणजे हे 7 जण, आणि मला असं वाटतंय ये 4 जण इन्वॉल्व्ड है। और यहाँ पर दूसरे जगह आप देखोगे साई लोकुर, पुरोहित और उसके बाद मेघा और आई थिंक आरती। तो ये 4 लोग डिवाइड है। तो इस तरह से 4 लोगों का ग्रुप लगभग बन चुका है घर में। और अनिल थर्टे कोई सुन ही नहीं रहा उनकी, हर कोई आ रहा सुना के जा रहा है उनको, और बहुत इस तरह की चीजें हुई। यहाँ पर ये भी देखा कि कन्वर्सेशन काफी हो रहा था मेघा और अनिल के बारे में, अनिल दोनों के बीच में, कि यार आपने जो बोला सही है, मतलब मेघा बोलती है सर आपने जो बोला बिल्कुल सही है जो भी भाषण दिया, लेकिन हाँ उतना टाइम लोगों के पास नहीं था इसलिए लोग शायद भड़क गए। और यहाँ पर मुझे सबसे शॉकिंग पता है क्या लगा, अनिल थर्टे को मुझे लगा स्मिता को वोट देंगे, क्योंकि अनिल थर्टे का और आस्ताद का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, मतलब वो अलग, वो सीधी सी बात है उनकी ही गलती है अनिल जी की, लेकिन उसके बावजूद आस्ताद को वोट दिया। उन्होंने कहा कि आस्ताद एक बेटर कैंडिडेट है, अब आस्ताद बन चुके हैं कैप्टन, और आस्ताद ने राजेश शिंगारपुरे, रेशम और संतो, क्या नाम उनका, आशुतोष नहीं, क्या नाम उनका, सुशांत, इन सबसे यही कहा कि वो खुश है कि साई लोकुर और साई नहीं सॉरी आई थिंक हाँ साई और साई नहीं 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 पुरोहित पुरोहित और जूई के बीच के जो आई थिंक थोड़े से गैप कर रहे, मतलब ये लोग क्या कर रहे, डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं, यानी कि अपनी अपनी जो टीम है उसको मजबूत रख रहे हैं, बाकी की टीम के जो अच्छे स्ट्रांग कंटेस्टेंट या जो बहुत अच्छे दोस्त उनको दूर करें ताकि जुड़ जाएंगे तो यूनिटी हो जाएगी इनकी तरह। तो ये चालू, अब दो ग्रुप में प्रॉपर गेम बढ़ चुका है और हर कोई मास्टरमाइंड है। मुझे लग रहा था कि नहीं, लेकिन हर कोई मास्टरमाइंड है। यहाँ पे आरती, मेघा और पुरोहित और साथ ही साथ साई लोकुर, ये लोग यही बात कर रहे थे कि इस पूरे गेम की जो मास्टरमाइंड है यानी अपोजिट पार्टी की, वो है रेशम जी। और रेशम जी अपना बहुत बढ़िया गेम खेल रही है। यहाँ पर उषा नाडकर्णी भी अपना बेसिक लेवल का गेम खेल रही है। मेरे हिसाब से जो मुझे अब लग रहा है, मेरे हिसाब से सबसे क्लीन प्लेयर मैं इसलिए कहूंगा वो है उषा नाडकर्णी जी। बाकी सब गेम में लगे हुए हैं, उषा नाडकर्णी फिलहाल नहीं लगी उतनी दिख रही है मुझे। इवन भूषण का भी मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन वो एक साइडेड ही ज्यादा दिख रहा है, इसलिए मैं उस पर भी ज्यादा अपना वो नहीं देना चाहता हूँ। स्मिता भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और ऐसा मुझे लगता है, बट आई थिंक ओवरऑल एंटरटेनमेंट वॉइस पूरे घर में देखा जाए तो दो लोग एंटरटेनमेंट करे, एक विनीत भोंडे और दूसरा एंटरटेनमेंट मुझे देखने को जो मिल रहा है वो उषा नाडकर्णी जी का।
लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कह सकता हूँ साफ साफ, अस्ताद का लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग, जिस तरह से उसने बातें रखी सबके सामने कि सब हो गया, मतलब बातों से किस तरह से दिल जीतना चाहिए वो आस्ताद को पता है, और इसलिए वो बंदा बहुत आगे तक जाएगा इस सीजन में, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस सीजन में आई थिंक अब होगा, बोलते ना महेश मांजरेकर जी का जो भी होता है घर से किसको निकालेंगे कंटेस्टेंट को, वो वाला सीन चालू हो जाएगा आज से, ठीक है। आज छठा दिन रहेगा और कल सातवां दिन रहेगा, ये 2 दिन में एक कंटेस्टेंट बाहर जाना ही जाना पक्का है, चाहे वो अनिल सेट्टी हो, चाहे वो कोई और भी कंटेस्टेंट हो सकता है, स्मिता हो, जो भी हो सकता है, जिनको कम वोट्स मिले होंगे जनता के। लेकिन हाँ, अब यहाँ से सीरियस हो जाएगा, क्योंकि अब महेश मांजरेकर लेंगे सबकी क्लास, घर में कौन कौन क्या क्या बकवास किया, आरती जिसे अपने उसने किसको वोट दिया था वो डिस्क्लोज कर दिया जो गलत है एज पर बिग बॉस। तो बहुत सारी चीजें हो रही घर में ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो देखने की बात ये कि किस तरह से आने वाले वक्त में चीजें होती है। बट हाँ, खेल बढ़िया चालू है, देखने में मजा आ रहा है। और ओवरऑल रिव्यू की बात करें इस पूरे शो की, तो मैं इसे 3 स्टार दूंगा, मुझे बाकी एपिसोड थोड़ा सा कम लगा। लेकिन हाँ, जो पॉलिटिक्स चल रही है वो एक लेवल बहुत स्ट्रांग है और बढ़िया चल रहा है, गेम बढ़िया चल रहा है, नो डाउट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस मराठी में जरूर बताइएगा। मेरी फिलहाल जो अब मेरा चेंज हो रहा है माइंड, वो उषा नाडकर्णी पे जा रहा है, मेरे हिसाब से वो मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक है, और स्मिता तो जरूर है, बट आई थिंक थोड़ा सा मैं डाउट में आ रहा हूँ फिलहाल। चलिए, बाय।